हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है रितु 03 ब्लॉग। तो आज हम बात करने वाले हैं 8415 बिहार पुलिस मेरिट लिस्ट के बारे में। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको दोस्तों, कि जितने भी जगह ट्रेनिंग चल रहे थे, जितने भी लड़के को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, उसका पास आउट हो चुका है। अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं देने का मेन कारण वही था, क्योंकि अभी जितने भी जगह थे, कुछ लोगों का पास आउट हो चुका था, कुछ लोगों का पास आउट नहीं हुआ था। इसके कारण है कि सारे जगह ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं थे। तो अब है कि समथिंग टोटल जगह पास आउट हो चुके हैं सारे लड़के लड़कियाँ। तो अब है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली हो चुका है। अब ही मतलब आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा ये आपको मैं बता दूं कि इस मंथ में, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि इस मंथ में, क्योंकि मैंने कल पटना गया था ड्यूटी से ही। तो वहाँ पे सर लोग मिले, तो वहाँ पे सर से कुछ बात हुई, तो उनसे मैंने पूछा, ऐसे ही बात बात में बात निकली कि सर 1415 का मेरिट लिस्ट कब आएगा। मेरे जितने भी भाई हैं, साथी हैं, उन लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मेरिट लिस्ट आने का बेसब्री मतलब इंतज़ार क्या होती है वो मुझे बखूबी पता है, क्योंकि मैं भी बहुत दिन वेट किया हूँ अपना मेरिट लिस्ट के लिए। इसलिए मुझे भी पता है कि मेरिट लिस्ट आने के लिए कितनी मतलब, पता ना कि एक मन में हिचकिचाहट, डर, और कुछ लोग का खुशी भी रहती है कि हाँ मैंने इतना बना के आया, मैं तो कंफर्म हूँ। तो हाँ, आप अपने दिल से, अपने मन से डर निकाल दीजिए। आप बना के आए हैं तो आपका मेरिट लिस्ट कंफर्म बनेगा। कोई भी आपको मेरिट लिस्ट के नाम से नहीं हटा सकता, किसी के हाथ में नहीं है। और बात रही कि जो लोग घूस दे के और अपना कॉपी रंगवा के, वो कन्फर्म है कि हाँ मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ही, तो वो सबसे आप मत डरिए। 1415 सीट है, 1415 सीट ये आपके लिए नहीं है, 1415 लोगों के लिए। आप अपना एक सीट पे कायम रहिए, आप अपने दिल में विश्वास यही रखिए कि मेरा 1415 से हमें कोई मतलब नहीं है, 1414 जहाँ जाए जो ले हमको उससे कोई मतलब नहीं। मेरा एक सीट कंफर्म है, वो मेरा रिजर्व है। मैंने क्योंकि उस तरह का, उस लेवल का मैंने तैयारी किया है, उस लेवल का मैंने फिजिकल दिया है। तो आप बेफिक्र रहें, आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तो हाँ मैं बता दूं कि ये इस मंथ में ही कितने लोग, तो कंफर्म डेट बता रहे हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों, कंफर्म डेट आपको कोई भी नहीं बता सकता। यदि कंफर्म डेट बता रहे हैं तो अपने चैनल को टीआरपी बढ़ाने के लिए वो बता रहे हैं, थंबनेल लगा देते हैं कि 1415 का मेरिट लिस्ट 25 तारीख को जारी होने वाला है, 26 को जारी होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे भी मैंने कल बात किया था सर से, तो वो भी बताया कि सारा काम 1415 का मेरिट लिस्ट के जो भी था काम वो हो चुका है। बस इंतज़ार था कि टोटल लड़के का पास आउट हो जाए, ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाए, उसके बाद ही लड़के लोग को मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग किया जाएगा, और ज्वाइनिंग के बाद डीओ के कराया जाएगा, मेडिकल लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल लेने के बाद उपरांत ही तुरंत आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। तो आप लोग घबराए नहीं, धैर्य बनाए रखें और मन में विश्वास बनाए रखें कि हाँ मेरा एक सीट रिजर्व है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और इस चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको न्यू अपडेट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपके पास आता रहे और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलता रहे। जय हिंद।